यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल से एक दो नहीं बल्कि पांच पांच नदियां बहती हैं। हिमाचल से निकलने वाली नदियों से न केवल भारत के कई राज्यों बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी प्यास बुझती है और ऐसे में अब हिमाचल के लोग ही पानी के लिए तरस रहे हैं। हिमाचल में ऐसा पहली बार हुआ है और अब से पहले ना तो किसी ने हिमाचल में जल संकट के बारे में सुना था और ना ही सोचा था, लेकिन इस बार तो मानो हिमाचल के लोगों से भगवान ही नाराज हो गए हैं और यही कारण है कि पीने का पानी न मिलने के कारण अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और इस जल संकट का हिमाचल की छवि पर क्या असर पड़ेगा, ये रिपोर्ट देखिए आप। हिमाचल के लोगों से नाराज हो गए भगवान, कई इलाकों में बन गया जल संकट, पानी को तरसने लगे लोग। पांच पांच नदियां होने के बाद भी नहीं मिल रहा पानी, सरकार के प्रयास भी नहीं आ रहे काम। सड़कों पर उतर रहे लोग, पीएमओ भी हुआ गंभीर, पर्यटक भी हो गए हैं मायूस। खराब होने लगी हिमाचल, अब हिमाचल में नहीं आएंगे लोग। हिमाचल का पर्यटन व्यवसाय भी हुआ प्रभावित, रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब और यमुना, ये पांचों नदियां हिमाचल की बातों से जुड़ी हैं। रावी, ब्यास, सतलुज और चिनाब का पानी भारत के अलावा पाकिस्तान भी यूज करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हिमाचल से गुजरने वाली नदियों से पड़ोसी देश की प्यास बुझ सकती है तो ऐसे में हिमाचल के लोग क्यों प्यासे हैं? क्यों नहीं हिमाचल सरकार उन्हें पानी मुहैया करा पा रही है? तो फिर क्यों पूरे हिमाचल में पानी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं? हमने भी इस जल संकट के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि शिमला से जल संकट का पुराना रिश्ता है। असल में शिमला में हिमाचल के लोग कभी रहते ही नहीं। 19वीं सदी में शिमला अस्तित्व में आया था क्योंकि मैदानी इलाकों में पड़ने वाली गर्मी अंग्रेजों के सहन से बाहर थी, जिसके कारण उन्होंने शिमला और कसौली का रुख किया था।